अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अभी चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर फिजिक्स, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। और इस चैप्टर के अंदर हमारे पास एक टर्म आती है, एक टॉपिक आता है जिसका नाम है जी टॉर्क। या टॉर्क क्या बला है, ठीक है। पहले मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, फिर इसको समझते हैं कि भाई ये टॉर्क क्या है। फर्ज कर लो कि आपके पास कोई स्टिक है, ये मीटर रॉड है या कोई भी स्टिक है, ठीक है। और इधर से आपने उसे अपने हाथ में से पकड़ा हुआ है, ठीक है। ओह, ये हाथ में आपने उसे पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपने स्टिक को अपने हाथ में यूं करके पकड़ा हुआ है। अब इसके साथ लेट्स सपोज एक वेट हम इधर हैंग कर देते हैं, ये कोई भी वेट है, ठीक है। और इस स्टिक की लेंथ लेट्स सपोज एल है, और इस वेट का जो नीचे लगने वाली, क्योंकि जो वेट होता है वो असल में ग्रेविटी की फोर्स होती है ना, तो वो फोर्स एफ है, ठीक है। आपने इसे बड़ी मजबूती से अपने हाथ में यूं होल्ड किया हुआ, जैसे ये मैंने पकड़ा हुआ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता इस वेट को आपसे दूर करता हूँ, लेकिन स्टिक पर बंधा रहने देता हूँ। आप ये घर में भी कर सकते हैं, ये कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है कि जो घर में नहीं कर सकते। बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, कोई भी स्टिक ले, उसके साथ कोई भी वेट बांध ले। फर्ज कर लो आप कोई बड़ी स्टिक ले लो, उसके साथ छोटा सा कोई पत्थर बांध के आप उसे पकड़ लो। आपने जब उसे पकड़ लेना है, आप आहिस्ता आहिस्ता उसे दूर करो। आप जब इस पत्थर को दूर करोगे, आप देखोगे यार आपके हाथ पर ताकत अब ज़्यादा लगानी पड़ रही है, कुछ ऐसा रिएक्शन हो रहा है कि आपके हाथ से वो स्टिक ना आहिस्ता आहिस्ता छूटने की कोशिश कर रही है। यानी कि आपके हाथ से वो स्टिक, मे भी ये हो सकता है कि ये वेट ज़्यादा हो तो स्टिक टूट भी जाए, लेकिन अगर टूटने को हम निकाल दें, हम कहते हैं कि स्टिक बड़ी अच्छी रिज्ड बॉडी है और ये नहीं टूट सकती, तो हम इस जैसे इस वेट को इधर करते जाएंगे तो आपके हाथ पर दबाव कुछ बढ़ता जाएगा। हालांकि अगर आप गौर करो, ना तो आप लेंथ बदल रहे हो, ना ही उस बॉडी का वेट बदल रहा है, क्योंकि वेट अगर फर्ज कर लो 10 न्यूटन है, यानी कि फर्ज कर लो 10 न्यूटन कह लेते हैं हम, 9.8 न्यूटन कह लेते हैं, यानी कि इस बॉडी का जो मास है वो 1 kg है, और ग्रेविटी आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड है, तो वेट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम जी, तो याद आएगा 9.8 न्यूटन। सपोज कर लो कि ये सीन है बाबा जी, तो अब आप इसको देखो तो ना तो उसका मास बदलना है, लेकिन आप देखोगे कि आपके हाथ पर एक अजीब सी कैफियत सी फील होगी कि यार ये पहले की निस्बत ना वजनी होता जा रहा है। हालांकि ना तो वेट चेंज हो रहा है, ना लेंथ चेंज हो रही है। ये असल में ये जो कहानी है, ये असल में एक नई टर्म इन्वॉल्व हो रही है इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं टॉर्क। इस टॉर्क को मैं एक और एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा कि अगर भाई मेरे पास दो बच्चे हैं छोटे, तो आपने ये अक्सर पार्क्स में ये झूला देखा होगा, इसको सीसा बोलते हैं अक्सर, ठीक है। इसके ऊपर एक बच्चा इधर बैठ जाता है और एक इधर, वो फिर ऐसे ऐसे जंपिंग शंपिंग से करते हैं, जैसे आपका बीम बैलेंस नहीं करता तकड़ी बट्टा जिसे हम बोलते हैं, वो जो रेड़ियों पे पड़ा होता है, उस तरह ये सीन कुछ बना होता है इसका, ठीक है। अब क्या है कि अब इनमें से जाहिर सी बात है दोनों बच्चों, ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे समझ लो कि बिल्कुल इसके सेंटर में होता है ये वाला जो ये पॉइंट होता है जिसके ऊपर ये दोनों होल्ड करके बैठे होते हैं। अब अगर आप इसे देखें ना, तो इस पॉइंट को हम मोस्टली जो सेंट्रल पॉइंट है, इसको हम हमारी जुबान में बोलते हैं पिवट पॉइंट, ठीक है। क्यों पिवट पॉइंट बोलते हैं कि अगर आप ये जो पॉइंट है जिसके ऊपर ये ऐसे होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो असल में ये अच्छा खासा इस तरह की एक ट्राइंगल बनी होती है, जो कि पूरी लाइन होती है, ऐसे पूरी लाइन के ऊपर ये फट्टा पड़ा होता है ना, ये फट्टा बिल्कुल ऐसा नहीं होता, चौड़ा होता, तो ये पूरी लाइन पर पड़ा होता है। लेकिन इधर से आप देखो तो आपको लगेगा कि यार ये जो पॉइंट है इसके गिर्द यहाँ, तो ये फट्टा नीचे मूव कर रहा है, या इस साइड से नीचे मूव कर रहा है या इस साइड से, तो इसलिए ये पॉइंट नुमा लगता है। तो हम कहते हैं कि इस पॉइंट पर टिका हुआ है, इस टिके हुए को हम इंग्लिश में बोलते हैं पिविटेड, यानी कि पिविट पॉइंट, सही हो गया। अच्छा, इसके ऊपर दो बच्चे बैठे, अब दो बच्चों को जाहिर सी बात अभी तो वो बच्चे हैं, उन्हें क्या पता यार ये फिजिक्स क्या है साइंस क्या है, लेकिन उन्हें ना काफ़ी अकल होती है इस चीज़ की कि अगर ये बच्चा थोड़ा वजनी है, ये इसके ऊपर बैठा हुआ और इसका वेट है जी W1, ठीक है, और ये एक और बच्चा है जिसका वेट है W2, और उसे लगता है कि यार ये जो W1 वाला है, W2 वाला है, इसका वेट W1 से ज़्यादा है, यानी कि जो ये वाला बच्चा है ये वजनी है और ये वाला बच्चा थोड़ा हल्का है, लेकिन अब इन्होंने सीसा एंजॉय करना है। जाहिर सी बात है अगर ये बच्चा इधर बैठ जाएगा तो वो बच्चा तो कभी नीचे आ ही नहीं सकेगा, झूला ऐसे ऐसे करेगा ही नहीं। अब सीन कुछ ये होता है कि ये बच्चा थोड़ा सा इधर होकर बैठ जाता है, हालांकि ना तो इसका वेट चेंज हुआ और ना इस फट्टे में लेंथ का कोई फर्क है, बस इसने अपनी थोड़ी सी पोजीशन इधर बैठने की बजाय, वो बिल्कुल कॉर्नर पर बैठा है, ये इधर बैठने की बजाय थोड़ा इधर हो रहा है। सिर्फ इसी चक्कर के अंदर वो झूला एंजॉय करने लग जाते हैं। अब इसके पीछे उन्हें नहीं पता क्या सीन है,
हाँ हमें पता है कि यार ये फिनोमिना थोड़ा सा यहाँ लगा है कि लेंथ या जैसे जैसे इधर से थोड़ा सा वो दूर गया, यानी कि ये हैंड अब इस वक्त इस जगह है, तो जैसे जैसे वो इससे दूर जाता जा रहा है तो आपको नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे दूर जाएगा तो लेंथ कम हो रही है। ओवरऑल फट्टे की लेंथ उतनी है लेकिन इसका इस पॉइंट मेन पॉइंट से डिस्टेंस कम हो रहा है, वेट इसका अभी भी वही है। इसकी वजह से कोई इसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू, कोई वैल्यू पता नहीं कौन सी वैल्यू, जो दोनों बैलेंस हो रही है, असल में जो दो वैल्यूज बैलेंस हो रही हैं उनका नाम भी टॉर्क है। ठीक है, अब इसे टॉर्क की सेंस को थोड़ा मेरे ख्याल से अब आपके लिए थोड़ा आसान हो गया होगा कि टॉर्क क्या भला है। तो अब ज़रा हम बुक की कहानी को समझते हैं कि बुक क्या कहते हैं। बुक कहते हैं कि आपने स्कूल लेवल फिजिक्स के अंदर ये कहानी बड़ी अच्छी तरह से समझी है कि एक नट को, ठीक है, नट जो होता है आपके पास ये इस तरह करके बना होता है, अगर इसका मैं आपको एक फेस बना के दिखाऊं तो कुछ ये इस तरह करके बना होता है, ये नट है और ये कुछ यूं करके होता है, इस साइड पे आपको ये यूं नज़र आता है और इसके अंदर यूं ऊपर इसके वो बने होते हैं आपके पास जो चूड़ियाँ जिन्हें हम बोलते हैं जो नट कसते वक्त। कहता है इस नट को, ये इसका ये वाली साइड का फेस है, इस नट को अगर आपने टाइट करना है तो आप क्या करते हो, आप इसमें एक स्पैनर लगाते हो ऐसे करके, और इस नट के ऊपर आप फोर्स लगाते हो, फोर्स कुछ इस अंदाज से आप ऊपर से इसके ऐसे फोर्स लगाते हो। ठीक है, तो जब आप फोर्स लगाते हो तो अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो इसे खोलने के लिए तो आप कुछ यूं ऐसे करके फोर्स लगाते हो आपके पास किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, और अगर आपने इसे टाइट करना हो तो आप क्लॉकवाइज। चलो खैर इस चीज़ को छोड़ते हैं एक बार। तो आप इसके ऊपर जब फोर्स लगाते हो तो ये नट रुका हुआ था, ठीक है, ये नट रुका हुआ था। अब मैं कहूँ यार फोर्स ने तो मुझे ये कहा था कि कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो मोशन में चली जाती है और मोशन में है तो रेस्ट में, लेकिन अब आप में से कोई बच्चा कहेगा सर ये नट इसी जगह पर ही घूम ही जा रहा है, मींस कि ये अपनी सराउंडिंग को चेंज कर ही नहीं रहा, अपने पोजीशन वेक्टर्स को चेंज कर ही नहीं रहा। मैंने कहा यार ये तो फिर रेस्ट में है, बात तो सही है कि फोर्स तो पोजीशन चेंज करती है यानी कि मोशन में लाती है, लेकिन हो क्या रहा है कि फोर्स के इफेक्ट की वजह से ये घूम रहा है, फोर्स के इफेक्ट की वजह से ये घूम रहा है, इसलिए ये फोर्स का ऐसा इफेक्ट है जो इसके अंदर रोटेशन पैदा कर रहा है, यानी कि इसको मैं लिखूंगा दी कौन सा इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स का टर्निंग इफेक्ट, वो जो टर्निंग इफेक्ट है इसके अंदर जो रोटेशन पैदा कर रहा है इसकी रेस्ट फॉर्म से, यानी कि है ये पहले भी रेस्ट में, हमें बाद में भी हमारे जो पहले पढ़े उसके मुताबिक रेस्ट में ही लग रहा है भाई, लेकिन फ़र्क क्या है कि हमें ये रोटेशनल मोशन शुरू करने लग गया, यानी कि द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, फोर्स का कौन सा इफेक्ट जो इसमें टर्निंग पैदा कर रहा है, इसको बोलते हैं इज कॉल्ड टॉर्क। कि भाई फोर्स का वो इफेक्ट जो किसी चीज़ में टर्निंग पैदा कर दे हम उसे बोलते हैं टॉर्क, या इसको उल्ट भी बोल सकते हैं कि अगर कोई चीज़ रोटेशन दे रही है और उसको रोक दे उसको भी हम फोर्स बोलते हैं। इसका मतलब ये यानी कि टॉर्क बोलते हैं, फोर्स का काम क्या है कि कोई चीज़ चल रही है उसे रोक देना और कोई चीज़ रुकी हुई है उसे चला देना, टॉर्क का काम है कोई चीज़ रुकी हुई है उसे रोटेशनल मोशन में ले आना और रोटेशनल मोशन में होती हुई चीज़ को रेस्ट में ले आना। जब भी इस तरह का इफेक्ट लग जाए फोर्स का जो चीज़ों को ये वाला काम कर दे इस इफेक्ट का नाम क्या है, टॉर्क। सही हो गया। तो वो कहता है कि अगर आप स्पैनर को इस पर जितनी ज्यादा ताकत लगाओगे उतना ज्यादा रोटेशन पैदा होगा। जाहिर सी बात है आप मुझको बंदा कहता है सर मैं थोड़ी सी फोर्स लगाता हूँ थोड़ी सी आप देखोगे ये थोड़ा सा घूमेगा, लेकिन अगर कोई बंदा कहता है मैं सर फुल स्पीड से फोर्स लगा रहा हूँ फुल जोर से, तो जब आप फुल जोर से लगाओगे तो आप देखोगे नट अच्छा खासा घूमेगा, मीन के जितनी ज्यादा फोर्स लग रही है उतना ज्यादा इसमें टर्निंग पैदा हो रही है रोटेशन पैदा हो रही है, तो इसलिए इसे टॉर्क बोल रहे हैं। इंजीनियर्स इसी टर्निंग को मूवमेंट बोलते हैं, इंजीनियर्स कॉल्ड टर्निंग मूवमेंट, इंजीनियर इसी टर्निंग को क्या बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं। अच्छा अच्छा एक बच्चा कहता है सर ये जो बंदा आपने पहले लगाया था ना जो इस पर ताकत लगा रहा है वो ना भाई बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, मैं थोड़ा वीक बंदा हूँ मैं इतनी फोर्स से ये नट नहीं घुमा सकता। हाँ मैं कहा फिर लेटर तो तुम्हें खोलना पड़ेगा क्योंकि अगर उसको काम मिला तो तुझे भी मिलेगा ये काम। कहता सर हाँ एक जुगाड़ है मेरे पास। मैं कहा यार क्या जुगाड़ है। कहता सर वो जो भी आपने एग्जाम्पल दी ना बच्चे वाली
कि वो बच्चे के पास वो स्टिक थी और वो वेट दूर किया तो वो उसके ऊपर जोर बड़ा लग रहा था। कहता सर मैं उसी इफेक्ट को ज़रा इधर इस्तेमाल करूँगा। मैं क्या कैसे? वो गया घर, घर जाकर ना एक पाइप ले आया बड़ा सारा ना, उसने क्या किया उस पाइप को इसके ऊपर ऐसे लगा दिया ए ऐसे, ठीक है। मैंने कहा यार ये तूने क्या किया? कहता सर एक मिनट रुके सही, उसने ना इस पाइप को इस पूरे रॉड के ऊपर लगा दिया। जब उसने रॉड के ऊपर लगाया ना, अब उसने इधर एक फोर्स लगाई, अब उसकी फोर्स वो जो पहले वाली फोर्स थी उससे थोड़ी सी कम थी, लेकिन मैं बड़ा आराम हुआ। बेहरानी वाली बात क्या थी? नट खुल गया। उसने कहा सर देखा मेरी ताकत कम थी, लेकिन मैंने एक नया जुगाड़ लगाया जिससे मैंने इसकी लेंथ को जैसे ही बढ़ाया तो वो वाली कहानी आपकी याद है, तो मुझे लगा कि शायद ये हो सकता है, तो ये हो गया। मैंने कहा यार तुझे ये कैसे पता चला? वो कहता सर अक्सर मैंने देखा है जो गाड़ियाँ शाड़ियों के टायर होते हैं ना वो तो हम मोस्टली स्पैनर की लेंथ से खोल लेते हैं, लेकिन अक्सर जो बड़े बड़े हैवी ट्रक होते हैं उनका इतना बड़ा नट होता है ये वाला जिसको हमने खोलना होता है। अब इस नट को जब हमने खोलना होता है तो इसके ऊपर हमें अच्छी खासी ताकत लगानी पड़ती है। मैं कहा हाँ। तो कहता है फिर सर पता क्या करते हैं? मैंने देखा कि एक बंदे ने ना उसके अंदर वही मतलब ऐसे समझ लो एक स्पैनर टाइप होता है रॉड्स टी रॉड्स टाइप वो उसने लगाया, फिर उसने बड़ा सारा पाइप लगा ना हल्की जैसे किया नट खुल गया। तो मैंने ज़रा वही याद किया, मैंने कहा यार वैसे तुझे इसके पीछे की साइंस पता है कि असल में हुआ क्या है यहाँ पर? तूने जुगाड़ तो किया है लेकिन ये वाली कहानी टॉर की सेंस में किस तरह एक्सप्लेन करेगा? तो असल में इस चीज़ को हमारी इधर कहते हैं ये पॉइंट जहाँ पर ये नट घूम रहा है इस पॉइंट को हम बोलते हैं पिवट पॉइंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिसके गिर्द कोई रोटेशन हो रही हो वो क्या होता है पिवट पॉइंट। लेकिन अगर कोई बंदा यहाँ से देख रहा है ऐसे जैसे आप लोग देख रहे हो तो आपको ये पिवट पॉइंट नजर आएगा क्योंकि इसके गिर्द ही चीज़ घूम रही है। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसे खड़ा है जैसे इधर इस जगह पर मैं खड़ा हूँ और उसे नजर आ रहा है कि यार ये नट इस तरह बाहर आ रहा है तो उसे एक पूरी लाइन नजर आ रही है, तो इसको अगर हम इधर से देखें आपके फ्रंट व्यू से 2D व्यू से तो ये पिवट पॉइंट लग रहा है, लेकिन अगर आप इधर से देखें पूरा 3D व्यू से तो ये आपको लगेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ आई? तो ये पॉइंट है जहां पर ये एक्सिस वो लाइन है या वो एक्सिस है जहां पर क्या हो रही है रोटेशन हो रही है। तो वो एक्सिस एक्स भी हो सकता है वाई हो सकता है कोई भी एक्स हो सकता है मतलब एक्सिस हो सकता है जिसके गिर्द क्या हो रही है रोटेशन हो रही है। तो ये दोनों एक ही टर्म है बस जो आपका प्रोस्पेक्टिव का व्यू है उससे बस इसके दो नाम बन जाते हैं पिवट पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा मैंने कहा यार ये तो मुझे भी पता है पहले भी ये था बाद में था। ये जो रॉड वाली कहानी है ना ये समझा असल में क्या है कि यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम L मीन के हमारी जुबान में L को बोलते हैं लेंथ, ठीक है। लेकिन असल में ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं मूवमेंट आर्म यानी के इस मूवमेंट का बाजू, और मूवमेंट का नाम आपको पहले बताया है साइंटिस्ट मूवमेंट बोलते हैं लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं टॉर्क, टॉर्क का बाजू। टॉर्क का बाजू क्या कि जितना बड़ी उसकी लेंथ है उतना ज़्यादा टॉर्क भी बढ़ जाता है यानी कि इफेक्ट उस चीज़ पर टॉर्क का बढ़ जाता है अगर उसकी मूवमेंट आर्म को क्या कर दिया जाए मैक्सिमम बड़ा कर दिया जाए। जितना बड़ा करोगे उतना यानी कि टॉर्क फोर्स के बढ़ाने से भी बढ़ रहा है जाहिर सी बात है क्योंकि फोर्स का इफेक्ट है, प्लस एक नई टर्म से भी बढ़ रहा है जिसको बोलते हैं मूवमेंट आर्म। और वो पॉइंट जहाँ पर फोर्स लग रही होती है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, एक्शन फिल्मों वाला है तो उस पॉइंट को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इन दो पॉइंट्स के दरमियान में यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान में इसको बोलते हैं मूवमेंट आर्म। और इस वक्त जो भी बंदा फोर्स लगा रहा है वो फोर्स एग्जैक्टली उसके ऊपर कैसी लगा रहा है परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब है कि सारी की सारी फोर्स इस नट को घुमाने की शिद्दत में लगी हुई है कि यार इसको घुमा दें किसी तरह। तो अगर मैं लिखूं तो टॉर्क को मैं इधर लिखूंगा टॉर्क इज इक्वल टू L इंटू एफ, और ये कौन सा टॉर्क है मैक्सिमम टॉर्क है। भाई मैक्सिमम मिनिमम का क्या चक्कर आ गया? L मूवमेंट आर्म F फोर्स, अब मैक्सिमम मिनिमम का क्या चक्कर है? क्या टॉर्क मिनिमम भी हो सकता है? टॉर्क इज इक्वल टू मिनिमम। सर ये T की नहीं समझ आ रही, ये T क्या बुला है उधर तो टॉर्क T लिखा है, ये कैसा अजीब सा T लिखा है? असल में ये हमारे पास कुछ साइंटिफिक लेटर्स होते हैं हमारे पास तो जिनको इस्तेमाल करके हम इंडिकेशन करते हैं तो इसको टा बोलते हैं, ये एक और लैंग्वेज का वर्ड है जिससे हम टा बोलते हैं तो इसके इंडिकेशन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे अल्फा बीटा गामा है ना तो वैसे ही उधर एक लैंग्वेज में टा है, तो टा मिनिमम भी हो सकता है। टा का मतलब टॉर्क क्या हो सकता है मिनिमम। मिनिमम कब हो सकता है? जब कोई बंदा फोर्स लगाए लेकिन फोर्स कुछ इस अंदाज से लगा दे,
आप खुद सोचना और मुझे बताना। कोई बंदा इस तरह फोर्स लगा दे कि भाई सारी की सारी फोर्स लग रही है कहां पर, एग्जैक्टली जितनी मूवमेंट आर्म की लेंथ जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में, मतलब बिल्कुल पैरेलल फोर्स लग रही है, पहले परपेंडिकुलर अब इस लाइन मूवमेंट आर्म के बिल्कुल पैरेलल लग रही है, इसका मतलब है कि जो फोर्स है वो एग्जैक्टली अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंड करो तो वो एग्जैक्टली कहां से गुजर रही है, इसके पिवट पॉइंट से। तो अगर सारी की सारी फोर्स इसके पिवट पॉइंट से गुजर रही हो तो उस वक्त जाहिर सी बात है एल की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि एल की जो वैल्यू है असल में वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, इधर मैं लिख देता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पीपी, पीपी बोले तो पिवट पॉइंट टू लाइन ऑफ एक्शन। तो अगर आप देखो तो अब इनके दरमियान में यहां से ये लाइन ऑफ एक्शन लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां तो इधर बनेगा या नीचे बनेगा, तो दोनों साइड पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है एल की वैल्यू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू, एल की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, जीरो। तो अगर एल की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो फिर इधर आप जीरो पुट करो तो फोर्स क्या, टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक हो गया कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अंदर मतलब आपके पिवट पॉइंट से सारा लाइन ऑफ एक्शन लग रहा है, इनके लाइन ऑफ एक्शन एग्जैक्टली पिवट पॉइंट पर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो बना ही नहीं, अगर मूवमेंट आर्म नहीं बनता तो फोर्स क्या, वो टॉर्क क्या हो जाता है आपके पास, जीरो। अब जाहिर सी बात है कि कोई बंदा कह रहा है सर ये बंदा ज्यादा टॉर्क लगा रहा है, ये बंदा कम टॉर्क लगा रहा है, इसका मतलब है कि ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो मेजर हो सकती है। अगर ये क्वांटिटी भाई मेजर हो सकती है तो आप खुद सोचो कि जो भी मेजर क्वांटिटी हम कर सकते हैं उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, और अगर वैल्यू होगी तो कुछ ना कुछ यूनिट भी होंगे, तो इसके फिर जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई ना कोई यूनिट होंगे। तो अगर हम चेक करें इस फार्मूले के अंदर तो यूनिट क्या बनने चाहिए, टॉर्क के एल की वैल्यू और एफ के न्यूटन, तो इसे क्या बोलूँगा मैं, इसे बोलूँगा न्यूटन मीटर। तो टॉर्क का यूनिट क्या बने, न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ टॉर्क। ठीक है, इसी तरह टॉर्क के आप इधर से डायमेंशन भी निकाल सकते हो, तो आपको पता है एन होता है एम एल टी माइनस टू और एल होता है, यानी कि एम होता है एम एल, तो आ जाएगा एम एल टी माइनस टू, तो ये आ गए डायमेंशन। ठीक है, तो ये था सिंपलेस्ट फॉर्म टॉर्क की। अब थोड़ा हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेट करते हैं, क्यों, क्योंकि यार आप खुद सोचो कि अगर किसी बंदे ने नट को टाइट करना हो तो किसी और डायरेक्शन में घुमाता है, और अगर लूज करना हो, खोलना हो तो किसी और डायरेक्शन में, कोई डायरेक्शन बोला भी मैंने, हाँ यार डायरेक्शन, इसका मतलब है कि टॉर्क आल्सो डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। ओ यार याद आ गया, ऐसी क्वांटिटी जो वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन डिमांड करे वो तो सिंपल क्वांटिटी लिख ही नहीं सकते। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मैं सारी कहानी डील कर रहा हूँ, मैं जस्ट मैग्नीट्यूड के सेंस में डील कर रहा हूँ, नट टाइट लूज की बात नहीं कर रहा, जस्ट बता रहा हूँ कि कितना ज़्यादा लग रहा है कितना कम, एक ही डायरेक्शन की। अगर मैं कहूँ कि नट, कोई बच्चा कहे कि भाई टाइट करना, कोई कहे लूज करना, तो एक यूं घुमा रहा है दूसरा यूं घुमा रहा है, डायरेक्शन इसका मतलब है कि टॉर्क फिर कैसी क्वांटिटी है, इधर मैं लिख देता हूँ, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या बात है बेटे, इसका मतलब है मसला बढ़ गया, गालवाद की मुख्तार है, हम डायरेक्शन भी करनी पड़ेगी, इसका मतलब है कि अभी हम इसकी डायरेक्शन के सेंस में भी इसे डील करते हैं। तो आई होप ये वाली कहानी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं बुक की आगे वाली कहानी की तरफ, जो कि टॉर्क होना रिज्ड बॉडी है उसको डील करते हैं, फिर डायरेक्शन की कहानी को डील करते हैं। ठीक है, अगर नोट करना नोट कर सकते हैं, बाकी थोड़ी मर्जी। तो अब ज़रा हम डील करते हैं हमारी बुक की कहानी के, बुक ने कहा हमारे पास कोई रिज्ड बॉडी है और उसके ऊपर लग रही है फोर्स। ठीक है, तो ये हम अपनी एक रिज्ड बॉडी को डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह गंडा करके बुक ने बनाया था, मेरी डायग्राम थोड़ी सी गंदी होती है तो खैर है, थोड़ा आप लोगों ने कंप्रोमाइज़ करना है। ठीक है, ये कोई उसकी मूवमेंट आर्म है, लेकिन हमारी जबान में ना ये मूवमेंट आर्म जो एल है इसको हम ऐसे नहीं करते, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हम कहेंगे कि कोई चीज़ कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पर जा रही है, तो याद करो कि इसको कहते थे कि किसी पॉइंट पी पर जो प्रपेंडिकुलर कह रहा हूँ, जो हमारे पास वेक्टर बनता है हम उसका नाम रखते हैं पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब है एल यहाँ पर कोई स्केलर वैल्यू नहीं है बल्कि कोई पोजिशन वैक्टर है। ठीक है, और यहाँ पर इसके लग रही है कुछ यूं करके फोर्स,
अब आप लोग तो हो गए हैरान, क्योंकि आप हो गए सर आपने तो पढ़ाया था टॉर्क मिनिमम होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम होगा अगर परपेंडिकुलर लगेगी, मिनिमम होगा अगर पैरेलल लगे, लेकिन ये तो कोई नई चीज आपने बना के दे दी हमें। बात तो ठीक है। अब क्या है कि अगर दो वेक्टर्स हों और वो आपस में मल्टीप्लाई हो गए, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो टॉर्क था वो था एल इंटू एफ, लेकिन अगर एल की जगह मैं क्या पुट करूंगा, आर इंटू एफ। लेकिन आपने देखना कि एफ तो बड़ा अजीब सा बना हुआ है, तो आप इसको थोड़ा एक्सटेंड करोगे, इसको ऐसे ही बस एक अपनी जुबान में कि भाई आपने दोनों को क्या किया, मीन पोजीशन यानी कि इनके दोनों को रीजन कॉमन किया, तो आप देखोगे इनका आपस में क्या बन रहा, कोई ना कोई एक एंगल थीटा। अब आप देखोगे कि भाई अब क्या करें, अब आप देखोगे आप फोर्स के दो कंपोनेंट बना दोगे। अब आप गौर करो तो जो थीटा के सामने वो एफ वाई और जो थीटा के साथ वो एफ एक्स, ठीक है। अब आप देखोगे क्या फोर्स के दो कंपोनेंट बन गए। अब आप गौर करो कि एफ एक्स लाइन ऑफ एक्शन से गुजर, यानी कि पिवट से गुजर रहा है, या एफ वाई। आपको सर एफ एक्स और एफ एक्स की वजह से तो कहानी बननी ही नहीं, टॉर्क बनना ही नहीं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा। तो किसकी वजह से बननी भाई, एफ वाई की वजह से। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आ रहा होगा, एफ वाई। तो अगर आप इसे खोलो तो ये बनेगा आर एफ साइन थीटा। तो इसका मतलब है कि टॉर्क आ गया आर एफ साइन थीटा। तो अगर आपके पास कोई पोजिशन वैक्टर और साथ फोर्स का आपस में एंगल थीटा इन्वॉल्व हो जाए, तो फिर आपने लिखना है टॉर्क इसके बराबर हो रहा होगा आर एफ साइन थीटा के। अगर इसी कहानी को कुछ यूं करें, दो केस बनाए ना बुक ने, तो मैं भी उन दो ही केसेस को दोबारा डील करता हूं। यानी कि अब इसको मैं आर लिखूंगा और ये हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया वही ओरिजिन, ठीक है। अब वो कहता है कि फोर्स आपकी फिर सर वैसे ही लग रही है, ये थोड़ी यूं करके, ठीक है, और ये आपका। अब कहता है कि सर आप ऐसे करें कि आप ना इसके जो है आपके पास ये जो R है इसके ज़रा दो कंपोनेंट को डील करें, ठीक है। तो अब अगर हम R के दो कंपोनेंट्स को ज़रा कुछ डील करें, तो आप देखोगे कि R के दो कंपोनेंट कुछ इसको मतलब डायग्राम थोड़ी सी इधर मसला करती है, तो आप देखोगे तो ये इसको अगर आप एग्जैक्टली इधर रखो तो यहाँ पर बनेगा थीटा, ठीक है। इसका थीटा इन दोनों को कॉमन रखना है, मीन्स कि मैं ये बात करना चाह रहा हूँ आपके साथ, ये आपके पास है एफ थोड़ी ऐसे करके और यूं करके थोड़ा सा आपके पास था आर। देखो मैंने बिल्कुल सेम बनाए हैं, एफ आर की एफ की डायरेक्शन में एफ और आर की डायरेक्शन में आर, ठीक है। तो अब आप देखो कि इनका जो थीटा बनेगा ये, और थीटा के सामने आर का कौन सा कंपोनेंट आएगा वाई, और जो थीटा के साथ है वो आएगा एक्स। तो आपने बताना है कि फोर्स किस कंपोनेंट आर के किस टुकड़े को घुमा सकती है। तो अगर आप इसको एग्जैक्टली इधर रखो तो आप देखोगे ये दोनों तो हो जाएंगे पैरेलल आर एक्स और आर एफ। तो अगर पैरेलल हो तो फिर आपको पता है किसी किस्म की फोर्स यानी कि टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर आप गौर करो तो आप इधर कौन सा कंपोनेंट यूज कर रहे हो, आर वाई, क्योंकि आर वाई के ऊपर फोर्स तकरीबन, यानी कि डायग्राम में थोड़ा सा मेरा मसला आ रहा है, लेकिन ये तकरीबन इसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर। तो अगर अब आप टॉर्क लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, आपको कहोगे सर टॉर्क इज इक्वल टू आर वाई इंटू एफ, तो क्या बन जाएगा आर एफ सॉरी आर साइन थीटा इंटू एफ। और आपको पता है ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, वैल्यूज है, तो क्या आ जाएगा आर एफ साइन थीटा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा टॉर्क। तो आपने गौर किया कि आप चाहे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को डील करो, चाहे आप किसको डील करना शुरू कर दो, इसके पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट फोर्स यानी कि टॉर्क की वैल्यू दोनों सेंस में क्या है सेम है। इसका मतलब है कि फिर फर्क क्या पड़ रहा है, फर्क यह पड़ रहा है कि फोर्स अगर डायरेक्शन बदलेगी तो टॉर्क चेंज होगा। मैंने कहा क्यों, क्योंकि अगर आप देखो तो ये भी वैक्टर डील किया, ये भी वैक्टर, ये भी, तो इसका मतलब क्या बना कि यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन को एन को ऐड कर दें इधर यूं करके दोनों साइडों पे, तो आप देखोगे कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या आएगा आर क्रॉस एफ। इसका मतलब है कि आर क्रॉस एफ क्या दे रहा है कि आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, और दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट असल में वेक्टर क्वांटिटी देती है। तो टॉर्क फिर क्या हुआ, एक वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, यहाँ से हमें पता चल गया कि भाई जो टॉर्क है उसकी जो है असल में वो क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वैक्टर एंड फोर्स। तो जाहिर सी बात है कि भाई अगर दो वेक्टर्स का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट है तो उनका आंसर भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां से एक चीज तो कंफर्म हुई कि टॉर्क क्या आपके पास एक टॉर्क इज अ वेक्टर
क्वांटिटी। तो ये नज़र आ रहा है और ये जो नज़र आ रहा है ये असल में सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इसको जब इधर किया तो हमारे पास टॉर्क क्या बन गया, एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हमें पता था कि टॉर्क की एक डायरेक्शन है, नट यूं भी घूम सकता है और यूं भी। तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से एक एन को ऐड किया कि यार चेक तो करेंगे टॉर्क वाकई में वेक्टर क्वांटिटी है या सिर्फ ये एक मजाक चल रहा है, मैथमेटिकली भी होता है। तो यहाँ से पता चला कि जब इसको आप पूरे को जोड़ोगे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा। अब रही बात कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में आपने देखा था कि अगर दो वैक्टर्स की डायरेक्शन ढूंढनी हो तो आप क्या करते हो, उसके लिए राइट हैंड यूज़ करते हो, यानी कि राइट हैंड रूल। तो आप लिखोगे राइट हैंड रूल इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क की डायरेक्शन के लिए आप राइट हैंड रूल यूज़ करोगे, सही हो गया। अब राइट हैंड रूल इधर कैसे बनाएंगे, इधर कैसे बनाएंगे, ओ भाई गौर करो। तो राइट हैंड रूल के लिए आप क्या करते थे, प्रोडक्ट में क्या करते थे कि दो वेक्टर्स के ओरिजिन्स को कॉमन करते थे। तो ये देखें जी, ये आपके पास वेक्टर वन है और ये इधर लगा है, लेकिन इसको ओरिजिन कॉमन करो इसका, ए ये लो जी ओरिजिन, भाई मैंने कॉमन कर दिया है, ये ओरिजिन कॉमन है, इनके दरमियान में एंगल थीटा। तो अगर मैं इसी को इधर लिखूँ तो मुझे पता है कि अगर इसको इधर बनाना है तो इसको उठाकर आप इक्वल वेक्टर्स के मुताबिक इधर ड्रा कर, ये बन गया और इनके दरमियान में एंगल थीटा, वही थीटा जो मैंने इधर ले आया हूँ, यानी कि इधर बनाया था ना उसको मैं इधर ले आया। अब आपने क्या करना है, अपनी फिंगर्स को राइट हैंड की पहले की डायरेक्शन में रखना है, पहले कौन है आर की डायरेक्शन में रखें और सेकंड की तरफ घुमाएं। ये लो भाई, कौन से एंगल से, स्मॉलर एंगल से, तो दोनों एंगल बनते हैं ये और ये, लेकिन स्मॉलर एंगल, तो स्मॉलर एंगल यहाँ से है, तो आप घुमाओ, चाहे इधर रख के घुमाओ तो अंगूठा आपकी तरफ आ रहा है। इसका मतलब है जो मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा हूँ, थंब आपकी तरफ है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई F को R से तरफ दें, तो F की डायरेक्शन में रखिए, R की तरफ रोटेट किया, तो अंगूठा बैक साइड पे आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई चीज़ यूं घूम रही है, यानी कि इस डायरेक्शन में घूम रही है, तो टॉर्क बैक साइड पे आ रहा है, और अगर ऐसे घूम रही है तो टॉर्क फ्रंट साइड पे आ रहा है। तो खुद सोचो कि जो आपके पास वो नट बुलेट टाइप से नट होता है, अगर आपने उस नट को खोलना है, इसको मैं इधर ड्रा करता हूँ, ये लो, और इसको मैं अब स्पैनर को भी ड्रा करता हूँ जिसमें ये नट मैंने फंसा के रखा हुआ है, ये ऐसे करके, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि जब मैं स्पैनर को यूं घुमाऊंगा इस डायरेक्शन में, ये आपके पास लग रही है फोर्स। तो अगर आप इसे देखो, तो अगर आप इस स्पैनर को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो नट बाहर आ रहा है, और अगर क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो नट अंदर जा रहा है। तो यही तो राइट हैंड रूल कह रहा है कि भाई अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर और अंदर की तरफ है तो पॉजिटिव। अब पता ये करना था कि भाई कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव टॉर्क के लिए इस्तेमाल होगी, कौन सी नेगेटिव। तो अगर जैसे हम कहें ना कि एक्स वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव और ओरिजिन से नीचे नेगेटिव, तो इसके लिए फिर मैं इधर लिखूंगा जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है, और जो क्लॉकवाइज है इज टेकन एज नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो देखें एंटी क्लॉकवाइज ऊपर और क्लॉकवाइज नीचे, तो अगर हम ऐसे देखें तो एंटी क्लॉकवाइज इधर और क्लॉकवाइज इधर, ठीक है। और अच्छा, ये टॉर्क असल में यहाँ पे तो हमें समझ आ गया, तो ये टॉर्क आता कहाँ पर है, तो ये वही काम करता है जो लीनियर मोशन में फोर्स करती है, यानी कि टॉर्क हमारे लीनियर के कोई हिस्से का नहीं है, टॉर्क है रोटेशनल मोशन का हिस्सा, यानी कि टॉर्क के अंदर ये आपके जो लास्ट पैराग्राफ इस टॉपिक में अंदर लिखा हुआ न्यूटन मीटर यूनिट के नीचे, इसमें बताया गया कि भाई टॉर्क इज द काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स इन रोटेशनल मोशन, कि टॉर्क फोर्स का ही बनता है लेकिन जो रोटेशनल मोशन को डील करता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन को डील करती है, टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन को डील करता है, ठीक है। तो ये तीन चार आपने पॉइंट्स याद रखने हैं, इनको इन डिटेल हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। अगर इस लेक्चर के अंदर कोई कन्फ्यूजन है या टॉपिक ये टॉर्क के लिहाज से कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में बताएं, और वीडियो के बारे में अपनी फीडबैक भी लाजमी दें। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।